हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ प्रज्ञा। सो आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो जो कि होने वाला है ई मेगा मार्ट के ऊपर। सो ई मेगा मार्ट से मुझे रिसेंटली एक बॉक्स रिसीव हुआ और इसके अंदर है हेयर केयर प्रोडक्ट्स। तो मैं पर्सनल अपना रिव्यू दूंगी एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन से प्रोडक्ट्स आपको खरीदने चाहिए, कौन से नहीं खरीदने चाहिए मेरे हिसाब से। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो ई मेगा मार्ट है ये आपको ये जो इनके प्रोडक्ट्स है आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैप ऐसे बहुत सारे यू नो एप्स भी देखने को मिल जाएंगे, बट अभी आप इनको इनके वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। तो जो इनकी वेबसाइट है वो है www.emegamart.com emegamartindia.com। सो यहाँ पे आपको ई मेगा मार्ट के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे यू नो एसेसरीज, हेयर केयर, स्किन केयर एंड यू नो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे एंड सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे एंड और यहाँ पर मेरे पास एक जो बॉक्स है उसमें ऑलमोस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट्स है, चार हेयर केयर प्रोडक्ट्स है। सो या लेट्स सी कि इसमें कौन से। तो ये जो बॉक्स है बहुत अच्छी सी पैकेजिंग में आया है एंड यहाँ से ना ये ओपन होता है। सो या हियर कम्स द प्रोडक्ट्स। तो मुझे यहाँ पे से चार हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिले हैं। सो सारे के बारे में बताऊंगी एंड क्यों खरीदना चाहिए, कौन से आप मुझे पर्सनली अच्छे लगे वो भी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट ऑयल जो कि है हेलेक्सिया ऑयल। ओके, सो ये जो ऑयल है ये ब्लैक कलर के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था एंड जब इसे अंदर से ओपन करते हैं तो हियर कम्स द ऑयल। सो ये जो ऑयल है आप देख सकते हो कुछ पंप पैकिंग में, यस आप ऐसे पंप करके ऑयल को इजीली अप्लाई कर सकते हो अपने बालों में। सो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत सारे हैं जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, रैंडमली कुछ बता रही हूँ। कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, सॉरी कॉटन सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, आंवला ऑयल, आमंड ऑयल, भृंगराज ऑयल एंड बहुत सारे टाइप के इसमें ऑयल्स है। सो आप सोच सकते हो कि यार इतने सारे ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आप आंवला ऑयल के बारे में तो जानते होगे कि आंवला हो गया, देन कैस्टर ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल भी इसके अंदर जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा अच्छा है। कोकोनट ऑयल हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपकी स्कैल्प को सूथ करता है एंड हमारे नो बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल तो यू नो विंटर सीजन है, ठंडी है, तो ठंडी में तो स्कैल्प बहुत ज्यादा हमारे ड्राई होते हैं, यानी कि डैंड्रफ। सो बहुत सारे ऑयल्स है एंड ज्यादा पसंद आया एंड इसका जो वॉल्यूम है वो है 100 ml। सो फ्रेग्रेंस वाइज इसकी अगर बात करें तो फ्रेग्रेंस इसकी ठीक ठीक है, मुझे पर्सनली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, बट हाँ फ्रेग्रेंस वाइज भी ये इट्स जस्ट ओके, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है बट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा। आप इसे रात में 7 से 8 घंटे अपने बालों पे लगाए एंड सुबह वॉश कर लीजिए एंड ज्यादा चिपचिप नहीं, बहुत ज्यादा स्टिकी स्टिकी होते हैं। सो ये उनके कंपेयर में थोड़ा सा कम है। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये एफ क्लीन का जो शैम्पू है जो कि क्लॉच फॉलिकल्स के लिए है। सो क्या होता है इसके शैम्पू है, इसकी सबसे अच्छी बात है कि ना ये आपके बालों में मॉइस्चर रिटेन करके रखती है, आपके बाल ज्यादा ड्राई नहीं होते हैं एंड इसके जो की फैक्टर है वो है ये पैराबेन फ्री है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। तो आप कह सकते हो कि यस ये आप हमारे बालों के लिए तो ऐसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है एंड ये क्या करता है, क्लिंजिंग एंड कंडीशनिंग योर हेयर एंड प्रोटेक्ट्स इट्स टेक्सचर। एंड ये जो है नेक्स्ट, हियर आई हैव दिस शैम्पू एंड इट्स अ माइल्ड शैम्पू। सो माइल्ड शैम्पू अगर आप डेली बेस पे शैम्पू करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है ये शैम्पू पर्सनली मेरे हिसाब से एंड ये बहुत ज्यादा आपके बालों को अच्छे से कंडीशनिंग करता है, हेयर कंडीशनिंग प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर, सो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड बाकी सब इसके यू नो बेनिफिट्स देखने जाए तो ये जो है शैम्पू ये आपके बालों को स्मूथ एंड बाउंसी बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड जो सेकेंड है कि ये आपके ये आपके बालों को हार्मफुल यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। सो ये शैम्पू की बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसमें विटामिन ई है एंड विटामिन ई के बारे में तो यार बालों के लिए तो आपको मैं क्या बताऊं, आप खुद भी जानते हो कि बालों के लिए विटामिन ई कितना ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट मुझे ई मेगा मार्ट से रिसीव हुआ था वो था ये आफ्टर वॉश कंडीशनर। सो जो कंडीशनर है बहुत ज्यादा से नो टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है, जैसे नॉर्मल आपके कंडीशनर होते हैं उसी तरीके से, बट पर्सनली मेरा इन सारे प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा फेवरेट एक कंडीशनर है एंड इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने जितने भी कंडीशनर आज तक यूज किए सबको लगाने के बाद मेरे ना कंडीशनर लगाने के बाद मैं ऐसे बाल करती थी तो हाथ में बाल आ जाते थे मेरे, बहुत सारे बाल आते लाइक ऐसे किया तो कंडीशनर के टाइम पर होता था कि ऐसे किया एंड
हाथ में बाल आ जाते हैं। तो इसे अप्लाई करने के बाद वो चीज़ मुझे मेरे बालों में नहीं देखने को मिली, वो भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल वॉश में, या सिर्फ एक वॉश में ये जो बालों में से मेरे यू नो ऐसे क्या कहते हैं बाल निकलना मेरे कम हो गए सिर्फ। सो ये हेयर कंडीशनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड ये है इसकी MRP है 249 रुपीज़, एंड ठीक है सिर्फ 249 रुपीज़ का, एंड 100 ml है। एंड अब इस ब्रांड की सबसे अच्छी बात ये ना कि सारे प्रोडक्ट्स के पीछे उनकी नो उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, और उसके साथ साथ उनका यू नो एड्रेस भी दिया है, यानी कि गुजरात राजकोट में बनता है। सो अगर आप गुजरात में रहते हो तो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी रिसीव हो जाएंगे। सो यस, ये सारे प्रोडक्ट्स से डिलीवरी वाइज भी मुझे बहुत जल्दी रिसीव हो गए थे, 2 से 3 दिन के अंदर ही अंदर मुझे सारे प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए थे। एंड लाइक बॉक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है उनका, ईमेगा मार्केट, यू गाइस कैन सी। सो ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, एंड फर्दर कोई भी क्वेरीज होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड या अंटिल देन बाय।